नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चुनावी सफलताओं के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए साल 2022 काफी शानदार रहा है। पार्टी को जहां अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है, वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में दोबारा शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाकर भाजपा ने इन प्रदेशों में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। गोवा में भी भाजपा दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन भाजपा हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को बदल पाने में कामयाब नहीं हो पाई और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा को इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस के हाथों ही हार का सामना करना पड़ा। इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाला नया वर्ष 2023 भाजपा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 2023 में होने वाले चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे। 2023 में यह भी साबित हो जाएगा कि कांग्रेस फिर से मजबूत होने की कगार पर आ गई है या भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना कामयाबी की ओर अग्रसर है। दरअसल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू कश्मीर सहित जिन 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होना है, उनमें से तेलंगाना और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बड़े राज्यों में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से है। 2023 में होने वाले इन चुनावों की रणनीति तय करने के लिए नए वर्ष के पहले महीने जनवरी से ही भाजपा अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर सकती है। 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा इन दोनों राज्यों में ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भाजपा राजस्थान में अशोक गहलोत को और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को हरा कर गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों को झटका देना चाहती है, क्योंकि ये दोनों ही नेता गांधी परिवार के काफी करीब माने जाते हैं। अगले वर्ष 2023 में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होना है। इन दोनों राज्यों में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से होना तय है। आपको बता दें कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों में 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की कामयाबी की वजह से भाजपा को इन दोनों ही राज्यों में आगे चलकर कामयाबी हासिल हो गई, लेकिन 2023 में मामला इतना आसान होने वाला नहीं है, खासकर तब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।